नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। विश्व मानवीय दिवस प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस पर उन लोगों को याद किया जाता है जिन्होंने मानवीय उद्देश्यों के कारण दूसरों की सहायता के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी। इस दिवस को विश्व भर में मानवीय कार्यों एवं मूल्यों को प्रोत्साहन दिए जाने के अवसर के रूप में भी देखा जाता है। इसको मनाने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीडिश प्रस्ताव के आधार पर किया गया। इसके मुताबिक किसी आपातकाल की स्थिति में संयुक्त राष्ट्र देशों द्वारा आपस में सहायता के लिए मानवीय आधार पर पहल की जा सकती है। इस दिवस को विशेष रूप से साल 2003 में संयुक्त राष्ट्र के बगदाद इराक स्थित मुख्यालय पर हुए हमले की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाना आरंभ किया गया था, जो विश्व में मानवीय कार्यों एवं मानव मूल्यों को प्रेरित करने वाली भावना का जश्न मनाने का भी एक अवसर है। इसका उद्देश्य उन लोगों की पहचान करना है जो दूसरों की मदद करने में विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं और मानवता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। खासकर इस कोरोना काल में जब इंसान समृद्धि के बावजूद असहाय महसूस कर रहा है। महामारी की वजह से लॉकडाउन के कारण उपजी गरीबी और बेरोजगारी ने लोगों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है, तो ऐसे में मानवीयता के आधार पर एक दूसरे की मदद की आवश्यकता काफ़ी गहरी हो गई है, जो पिछले दिनों दिखाई भी दी जब लाखों की तादाद में गरीब मजदूर शहर से अपने गाँव की ओर पैदल ही निकल पड़े तो उन्हें बेइंतहा कष्ट का सामना करना पड़ा। ऐसे में बड़ी तादाद में लोग बीमारी का रिस्क लेकर भी सामने आए और ज़रूरतमंद गरीबों मजदूरों की सहायता की। वैसे भी आज के दौर में आत्मीयता की बहुत आवश्यकता है। कहीं छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार तो कहीं बूढ़े माँ बाप के ऊपर अत्याचार, कहीं जाति के नाम पर प्रताड़ना तो कहीं झूठी शान के लिए अपने ही बच्चों को जिंदा जला देना, एक व्यक्ति को मारने के लिए पूरी भीड़ का इकट्ठा हो जाना या अपने से कमज़ोर को दबाना, क्या ये सब सही है? और तो और, हमने जानवरों को भी नहीं बख्शा है। इन बेजुबान जीवों को प्रताड़ित करने में कुछ लोगों को अंदरूनी सुकून मिलता है और इन सब के वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया में डाले जाते हैं। ये कैसे समाज में हम जी रहे हैं? क्या 84 लाख योनियों के बाद हम इसलिए मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं? आज संसार में भूखमरी, बीमारी, प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, मानवीय अधिकारों का हनन और अब विश्व स्तरीय महामारी जैसे अनेकों विपदाएं हमारे सामने चुनौतियों के रूप में खड़ी हैं। लाखों करोड़ों लोगों को आपकी और हमारी सहायता की ज़रूरत है। हम हर एक व्यक्ति तक तो नहीं पहुंच सकते हैं, पर अगर आप एक व्यक्ति के जीवन में भी बदलाव ला सकते हैं या उसे कष्ट विहीन कर सकते हैं तो आपका जीवन सफल है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।